नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और जो उज्ज्वला के हितग्राही महिला हैं, उनको 1 सितंबर से रसोई गैस सिलेंडर मिलेगी सिर्फ 450 रुपये में, जिसके अभी तक ऑनलाइन आवेदन चालू हैं। तो अभी तक आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाया तो जरूर जाके अपनी पंचायत में जिस जगह पर लाडली बहना योजना के आवेदन हुए थे, ठीक उसी जगह पर आपके लाडली बहना योजना के लिए जो 450 रुपये में गैस टंकी मिलने वाली है वो आपको मिल आवेदन आप उसके कर सकते हैं। परंतु एक इसमें बड़ी समस्या आ रही थी कि महिलाओं के नाम पे बहुत कम गैस टंकी, और उज्ज्वला की टंकी तो महिलाओं के नाम पर होती है, पर जो प्राइवेट कंपनी रहती है वो केवल पुरुषों के नाम पर है, बहुत कम महिलाओं के नाम पर है। तो शिवराज सिंह ने इसके लिए एक और बड़ी घोषणा कर दी है, तो चलिए पहले उसकी हम एक क्लिप सुना देते हैं, उसके बाद हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे। तो चलिए सुनते हैं क्लिप को। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सभी अपडेट वहां से भी आपको प्राप्त हो सके। हम मध्य प्रदेश की धरती पर उज्ज्वला की जो बहने हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई की और उसके साथ लाडली बहना, तुम सबको 450 रुपया में रसोई गैस दी जाएगी। अच्छा, कई बहनों ने बताया कि हमारे तो नाम ही नहीं है, हमारे उनके नाम पे। तो भैया, जिनके पति के नाम पे है उनका जो कनेक्शन है वो बहनों के नाम पे ट्रांसफर करवा दो, 450 में हम देंगे आपकी सुविधा, आपकी जिंदगी। तो जैसे कि आपने जो क्लिप सुनी उसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप जान भी चुके होंगे, अब आप अगर पुरुषों के नाम पर रसोई गैस सिलेंडर है तो आप उसमें अपना अब आप अपना स्थायी पंजीयन करवा सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो पंजीयन हो रहे थे वो डायरेक्ट यहाँ पर आपके वेरीफाई हो रहे थे, परंतु अब आप जब आप अपना आवेदन करेंगे तो उसे गैस कंपनी पहले वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही ये कंफर्म होगा कि आपको सब्सिडी मिलेगी या नहीं, ठीक है। अस्थायी पंजीयन आप कर सकते हैं, टंकी किसी के भी नाम पे हो, अगर पुरुष के नाम पे है, महिला के नाम पे है, तो सभी के अस्थायी पंजीयन होंगे। उसके कुछ दिनों बाद जो है वो गैस कंपनी जो है वो आपको वेरीफाई करेगी कि सही में इनको मिलनी चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर आप कोई गलत जानकारी भर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आवेदन करते समय पूरी सही जानकारी डालिएगा, जिसके नाम से टंकी उसी का नाम डालिएगा, ठीक है। वो जो नाम मिसमैच की समस्या हो रही थी वो भी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, अब आप अपने डायरेक्ट महिला, अगर महिला के नाम से है तो उसकी आवेदिका की फोटो के, जैसे लाडली बहना योजना का फॉर्म डलाया था फोटो क्लिक करके, उसी प्रकार से रसोई गैस सिलेंडर जो 450 रुपये मिलने वाली है उसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट में नाम मिसमैच है तो आप उसमें फोटो के माध्यम से भी अपना आवेदन करवा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलेंगे इसी नेक्स्ट अपडेट नई जानकारी के साथ, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।